हाय एवरीवन, आई एम ब्रिजेस। वेलकम यू ऑन जॉब अपडेट्स बाय ट्रस्टमार्क कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज के वीडियोस में हम किसी जॉब्स के अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट 12 ऐसी आदतों की बात करेंगे जिसकी वजह से आप अपने ऑफिस में जो भी वर्क कर रहे हो उसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। ठीक है, सो चलिए उसको वीडियो को शुरू करते। फर्स्ट हैबिट की बात करें तो स्टार्ट योर डे अर्ली, मतलब अपने काम को, मतलब अपने दिन को थोड़ा जल्दी से आप स्टार्ट करें, मतलब थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी फ्रेश हो जाइए, ताकि आपके पास जो ज़्यादा टाइम रहेगा और आप उसको ज़्यादा वर्क कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो अराइव टू वर्क बिफोर, मतलब अपने जहाँ पे भी जो टाइम है उसे थोड़ा जल्दी पहुँच जाइए, ताकि आप अपना कुछ भी जो भी आपको बनाना है, जो भी करना है, आपको उसमें सफिशियंट टाइम मिल जाए और उस हिसाब से आप अपना अच्छे से वर्क भी कर पाओ। थर्ड टिप्स की बात करें तो रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट, मतलब आपका अगला दिन कैसे गया है, आपने क्या किया, कैसे किया, आगे आप उसको कैसे करना चाहते हो, उसको एक बार देखिए और उस हिसाब से उसमें थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और उसको थोड़ा इम्प्रूव करिए। फोर्थ टिप्स की बात करें तो रिव्यू और टू डू लिस्ट, मतलब आपने जो भी रिव्यू टू डू लिस्ट बनाया अपने लिए कि आपको क्या काम करना है, उसका रिव्यू करिए, आपने कितना ख़त्म किया, कितना बाकी है, कितने टाइम में उसको करना है, उस पर आप मतलब फोकस करें और उसको करिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो टेक पॉज एंड बी प्रेजेंट, मतलब कई कई बार हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने काम को थोड़ा लिखिए कि क्या करना है, कितने टाइम में करना है, और उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए और आप जिस मतलब ऑफिस पर प्रेजेंट हो उस मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और ओवर थिंकिंग ना हो और स्ट्रेस जैसा कुछ महसूस ना हो। ठीक है, सिक्स पॉइंट की बात करें तो विजुलाइज सक्सेस डे, मतलब अपने आप को विजुलाइज करो कि आज मेरे को जो भी काम मिला है उसको मैंने अचीव कर लिया है, अब मैंने अपने उसमें सक्सेस पा लिया। उस तरीके से अपने आप को जैसे विजुलाइज करोगे तो थोड़ा अपने आप को आप अप्रिशिएट करोगे, अपने आप से इंस्पायर होगे और आपका प्रोडक्टिव और बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। सेवन टिप्स की बात करें तो सेट योर रोड मैप, मतलब आपका जो भी काम है, जैसे भी करना है, किस हिसाब से करना है, उसका एक पूरा रोड मैप क्रिएट करें और उस हिसाब से उस पर वर्क करें, ताकि जो भी आपको काम करना है वो आप अच्छे से उसको कर सकते हो और आपका दिन प्रोडक्टिव बन सकता है। आठवें टिप्स की बात करें तो चूज़ योर वर्किंग पेस। ठीक है, अपने कार्य को कैसे करना है, मतलब कितनी रफ्तार से, कितने टाइम में करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, उस सारी चीज़ को आप मतलब चूज़ करें। ठीक है, तो उसे चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा प्रोडक्टिव मिलेगा कि हाँ, आपने इतना सेट किया तो उस टाइम में आपका वर्क भी हो जाएगा डेडलाइन की तरह। ठीक है, नौवें टिप्स से बात करें तो ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस, मतलब अपने कार्यक्षेत्र, मतलब जो भी आप बैठे हो, जहाँ पे भी हो, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दो, मतलब वहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी होनी चाहिए, कैसे करना है, किस चीज़ को करना है, उस सारी चीज़ को अपने वर्क प्लेस पे ऑर्गेनाइज करके रखो। 10 टिप्स की बात करें तो कट आउट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपको कई बार अपना काम करना होता है बट आपके पास आपका फ़ोन होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो बार बार नोटिफिकेशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है या किसी पर्सन की वजह से होता है, तो थोड़े टाइम के लिए अपना फ़ोन है तो उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ठीक है, अदर कोई नोटिफिकेशन बंद कर दो या किसी पर्सन आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए मना कर दो कि आप मत आओ, मेरे साथ काम चल रहा है। ठीक है, 11 टिप्स की बात करें तो चेक योर मेल बट इट विजली, मतलब आप अपना मेल चेक करिए बट उसको कैसे, मतलब समझदारी से करिए, आपको किस मेल का आंसर करना है, किसका नहीं करना है, उस हिसाब से अपने मेल को चेक करिए और उसका आंसर करिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप दूसरे मेल आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं तो आप उसको नहीं करोगे और जैसे आपका दिन और प्रोडक्टिव बढ़ जाएगा। ठीक है, 12 टिप्स की बात करें तो पुट अवे नेगेटिव थाट, मतलब आपके अंदर कई बार वर्क को लेके या किसी काम को लेके आपको नेगेटिव थाट आते रहते हैं, तो आप क्या करें कि जो भी नेगेटिव थाट आते हैं उसकी जगह उसको पॉजिटिवली देखना सीखें, कि आप जो कर रहे हो आपको मतलब नेगेटिव अगर टेन आ रहे हैं बट 90% आपको पॉजिटिव आते हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव साइड देखो, नेगेटिव थॉट को साइड में रख दीजिए, जिससे आपके काम में प्रोडक्टिव आ जाए, आप खुद से इंस्पायर होंगे और उस हिसाब से अपने कार को भी प्रोडक्टिव बना सकते हो। ये 12 ऐसे टिप्स हैं जो आप उसको धीरे धीरे, आपको एक दिन में तो अप्लाई नहीं कर पाओगे बट आप धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो आपका जो भी ऑफिस का दिन होगा वो अच्छे से प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स एंड रिगार्ड ट्रस्टमार्क कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।